हाँ जी बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा थियोरिटिकल रिवाइज करने के लिए दिया था वो कर लिया आप सबने अमृत दिवांश नव्या ओके yes, okay. अब आज हम आगे करेंगे इसमें मैथमेटिकल भी शुरू कर देंगे आज हम और थोड़ी सी डिटेल्स और पिछली क्लास में जो बच गई थी वो पढ़ते हैं जिसमें पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो बोलिए अगर उसमें कोई चीज ना समझ में आई हो तो बताएं वो डेफिनेशन मैंने आपको मना कर दिया था वो लर्न नहीं करनी है मीटर की सेकेंड्स की वो सब याद नहीं करनी है अब आज हम शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक आज का है प्लीज ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज के टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे फिजिक्स में आने वाले टॉपिक्स में भी बहुत काम आएंगे सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है एस आई प्रीफिक्स पहले मैं बोर्ड ये पूरा लिखूंगा स्क्रीन उसके बाद आप कुछ कॉपी करना उससे पहले नहीं ऐसा ही प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है प्री प्री मतलब जो पहले लगता है प्रीफिक्स का मतलब जो पहले किसी भी यूनिट के पहले लग के उस यूनिट को मल्टीपल्स की फॉर्म में ले आता है जैसे सपोज मैंने एक बहुत कॉमनली यूज होता है मिली मिली आपने सुना होगा मिलीमीटर आपने सुना होगा मिली सेकेंड सुना है एक सुना होगा मिलीग्राम ये मिली को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मिली जब भी लगता है इसका मतलब होता है टेन टू पार माइनस थ्री सो मिली मीटर हो जाएगा टेन टू पार माइनस थ्री मीटर मिली सेकेंड हो जाएगा टेन टू पार माइनस थ्री सेकेंड्स मिली ग्राम हो जाएगा टेन टू पार माइनस थ्री ग्राम सो बेसिकली ये मिली क्या करता है जब भी किसी के पहले मिली लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ टेन टू पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना है इसको बोलते हैं प्रीफिक्स इसी तरह और भी प्रीफिक्स होते हैं जैसे किलो किलो क्या होता है टेन टू पावर थ्री किलोग्राम किलोमीटर ये सब क्या है प्रीफिक्स हैं इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं एक होता है फेमटो टेन टू दावर माइनस फिफ्टीन होता है वो इसी तरह और आपका होता है एक होता है आपका हेक्टर इसी तरह डेका डेसी ये सब क्या है प्रीफिक्सेस हैं कौन कौन से कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस होते हैं और उसका मतलब क्या है वो देखते हैं प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं और इनकी कितनी पावर्स होती है टेन की और इनका सिंबल क्या है ये तीन चीजें और ये या... सारे लिख रहा हूं मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाले में स्टार से मार्क करूंगा जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स जब पेपर में आते हैं या कहीं भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में न्यूमेरिकल यूज होगा तो यूनिट वो कोई भी यूज कर सकता है भले ही आपको फॉर्मूला पता हो सपोज एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपने टेन्थ नाइन्थ में पढ़ा है ग्रेविटेशन uh, फोर्स का जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वा जी एम वन एम टू बाय आर स्कवायर सपोज मैंने बोल दिया बॉडी का जो मास है वो है समथिंग नैनोग्राम अब आपको अगर नैनो का मतलब ही नहीं पता होगा कि टेन की पावर कितनी होती है तो आपको भले ही फॉर्मूला पता हो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में गलती कर दोगे तो इसीलिए आपको हर प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट कॉमनली यूज है वो मैं स्पेसिफिकली मार्क कर दूंगा पहला जो है टेन की पावर से शुरू करते हैं हाइएस्ट पावर है प्रीफिक्स है इसका नाम है एक्सा ये होता है टेन टू दिन सिंबल कैपिटल ई एक्सा ज्यादा यूज नहीं होता एक है पीटा टेन टू फिफ्टीन इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी ज्यादा यूज नहीं होता जो ज्यादा यूज होते हैं वो मैं स्टार लगाता रहूंगा तीसरा टेरा ये होता है टेन टू होता है गीगा 10 टू पावर 9 कैपिटल जी ये पहला है जो ज्यादा यू, जो यूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं गीगा के बाद जो बेटा ना समझ में आ उसी वक्त रोक देना मेरे को गीगा के बाद आपका है मेगा ये ज्यादा इस्तेमाल होता है कैपिटल एम यूज करते हैं 10 टू पार 6 ये बहुत ज्यादा यूज होता है मेगा के बाद हमारा आता है किलो टू पार थ्री कैपिटल के यूज करते हैं यह भी ज्यादा यूज होता है यह शायद आपको याद भी हो किलो के बाद आता है हेक्टर यह होता है 10 टू पार टू कैपिटल एच यूज करते हैं फिर है डेका 10 टू पार वन डी ए यूज करते हैं फिर है डेसी 10 टू द पावर माइनस वन कैपिटल डी यूज करते हैं डेसी के बाद आता है सेंटी ये यूज आप काफी करते हो सेंटी होता है 10 टू पावर माइनस टू जैसे सेंटीमीटर उस तरह से सेंटी के बाद आपके पास आता है मिली ये भी बहुत यूज होता है मिली इज टेंट द पार माइनस थ्री स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं एक है माइक्रो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये होता है टेंट द पार माइनस सिक्स इसको म्यू म्यू ऐसे यू और पीछे पूछ बना दो इसको बोलते हैं माइक्रो ये टेंट टू पार माइनस सिक्स इसके बाद नैनो ये भी बहुत यूज होता है विच टेंट दोपहर माइनस नाइन और इसको हम यूज करते हैं स्मॉल एन ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूं ये ज्यादा यूज होते हैं फिर पीको टेंट दोपहर माइनस ट्वेल्व फिर पेमटो टेंट दोपहार माइनस फिफ्टीन स्मॉल एफ और ये भी ज्यादा यूज होगा और आखिरी है एटो एटोर माइनस एटीन होता क्लियर है सबको कौन से कौन से प्रीफिक्सेस हैं इसमें प्रीफिक्स का मतलब तो सबको समझ में आ गया ना अमृत yes. देवांश नव्या प्रीफिक्स का मतलब सबको समझ में आ गया जो मैंने स्टार लगाए हैं जो स्टार लगाए हैं ये ज्यादा यूज होते हैं और जो बाकी है वो कभी भी स्पेरिंगली यूज हो गए तो हो गए तो जो स्टार लगाए हैं वो जरूर याद होने चाहिए आपको एट एनी टाइम ठीक है प्लीज पहले इसको लिख लीजिए सब विजिबल है ना नाइन एटो टेन टू पावर माइनस एटीन अच्छा आप साथ साथ लिख रहे थे क्या ओके yes, okay. कोई नहीं बाकी को लिखने दो समझ में आ गए सबको जिया आप में आपके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं सबके किसी के हुए हैं ओके ओके हो जाए तो बता दीजिएगा फिर आगे प्रोसीड करेंगे हो गया बेटे कॉपी हो गया सबका रिया yes, सिमर जिया नव्या देवानश ओके yes, okay. yes. आगे आ जाते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स पे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो हम डायरेक्टली किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब ये प्रीफिक्सेस नहीं है ये सब में नहीं यूज होते जैसे इसका एग्जाम्पल है एक एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम इज नॉट अ प्रीफिक्स उसको हम एक अलग यूनिट की कैटेगरी में डालते हैं इट इज ओनली डिफाइंड फॉर लेंथ जैसे सपोज करो पहला है प्रैक्टिकल यूनिट्स में पहले मैं लेंथ की बात कर रहा हूं लेंथ में सबसे पहले है फर्मी फर्मी होता है वन फेम्टोमीटर मतलब टेन टू पार माइनस फिफ्टीन मीटर्स ये देखो ए, ये रा. पेंटो मैंने क्या बताया क्या है पेंटो एक प्रीफिक्स है तो या तो मैं बोलू फेम्टोमी इट इज सेम एज फर्मी मतलब सेकेंड तो होगा बट फर्मी सेकेंड नहीं होगा इट हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड फेम्टो इज अ प्रीफिक्स फर्मी इज नॉट अ प्रीफिक्स स्पेसिफिकली यूज फॉर फेम्टोमीटर सो वन फेम्टोमीटर इज नथिंग बट वन फॉर्मी वन फेमटो सेकेंड इज नॉट फॉर मी सेकेंड फर्मी इज स्पेसिफिकली यूज फॉर लेंथ सो वन फर्मी इज वन फेमटोमीटर विच इज टेन टू पार माइनस फिफ्टीन मीटर्स, ये बात समझ में आ गई दिस इज फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ जो हम यूज करते हैं स्मॉल लेंथ के लिए दूसरी प्रैक्टिकल यूनिट है हां जीट इज एक्सपीरियंस बेटे मैंने आपको बोला फेम्टो इज अ प्रीफिक्स ठीक है सो यू में राइट फेमटोमीटर यू में राइट फेम्टो सेकेंड यू में राइट फेमटो ग्राम या आप लिख सकते हो इट इज टेन टू माइनस फिफ्टीन वन मीटर उसको एक अलग नाम दे दिया फॉर लेंथ फेमटोमीटर मैंने बोला वन फेम्टोमीटर उसको एक सेपरेट नाम दे दिया क्या बोला फर्मी सो फर्मी इज नॉट अ प्रीफिक्स इट इज अ स्पेसिफिक यूनिट यूज फॉर लेंथ ओनली सो वन फेम्टोमीटर इज ऑल्सो नेम्ड एज वन फर्मी ठीक है फर्मी इज नॉट अ प्रीफिक्स फेमटो इज अल सो आई विल क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा किसी न्यूमेरिकल में लेंथ दी होगी इतना फर्मी तो आपको अगर वो लेंथ का पता ही नहीं होगा फर्मी का मतलब क्या है तो आप यूज कैसे कैसे करोगे उसे SI कैसे करोगे उसे यूनिट्स में कन्वर्ट ओके सर ठीक है ना ये जितने भी हैं ये डायरेक्टली कभी नहीं आते पेपर्स में ये यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में ये सारे पॉइंट्स तो अब मैं आपको सीधा वो न्यूमेरिकल्स कराने शुरू कर दूं और ये बताऊ ही ना कि फर्मी क्या होता है उस न्यूमेरिकल में जैसी फर्मी आपको सर मेथड तो पता है पर यह फर्मी कौन सी लेंथ होती है तो वो तो पता होना चाहिए ना तो इसलिए ये यूनिट्स वगैरह ये सब लर्निंग वर्क है कि हां ये 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 मतलब है मैं जि, जिसके मतलब है वो सारे एक्सप्लेन करता जा रहा हूं सेकेंड जो हम यूज करते हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हो इसको ऐसे लिखते हैं ए और ऊपर ऐसे गोलू कभी देखा ये सिंबल पीरियोडिक टेबल वाले एलिमेंट्स के में लिखा होता है एंगस्ट्रॉम इट इज नथिंग बट टेन टू द दाइनस टेन मीटर्स ये भी लेंथ के लिए यूज होता है वन एंगस्ट्रॉम टेंट टू दर माइनस टेन मीटर अगेन एंगस्ट्रॉम इज नॉट अ प्रीफेक्स इट इज अपरेट यूनिट यूज फॉर लेंथ थर्ड एक ये ज्यादा यूज नहीं होता मेन इसमें यह वाला और ये वाला है दो स्मॉल लेंथ के लिए एक होता है एक्सरे यूनिट एक्स यू वन एक्स यू इजेंट टू दाइनस थर्टीन मीटर ये ज्यादा यूज नहीं होता इसी तरह फोर्थ ये ज्यादा यूज होता है वन माइक्रोन इसका मतलब होता है माइक्रोमीटर मतलब टेन टू पार माइनस सिक्स मीटर अब देखो अगेन वही बात हो गई माइक्रो इज अ प्रीफिक्स सो माइक्रो सेकेंड हो सकता है माइक्रोमीटर हो सकता है बट वन माइक्रोमीटर को स्पेसिफिक नाम हमने क्या दिया माइक्रॉन सो वन माइक्रोन इज नथिंग बट वन माइक्रोमीटर ठीक ये चार समझ में आ गए इसमें जिसमें मैंने टिक लगाया तीन इंपॉर्टेंट है अगले तीन मैं लिखवाऊंगा पहले ये लिखो चारों अगले तीन बहुत इंपॉर्टेंट है ने? ये चारों स्मॉल लेंथ के लिए थे जो नेक्स्ट थ्री लिखवाऊंगा वो लार्ज लेंथ लॉन्ग लेंथ के लिए होंगे ये लिख लीजिए पहले चारों लिख लो तो प्लीज थम्सअप कर देना या बोल देना चलिए नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए काम आता है ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जो अब तीन बता रहा हूं ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए सबसे पहला उसमें है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखिए वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख देता हूं मैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस टवीन सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ धरती और सूर्य के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टेन टू दर इलेवन मीटर्स अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पर इलेवन मीटर्स दिस इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख लीजिए यस तभी लिख पा रहा हूं बेटा पे पहले मैंने सबको नहीं पहले जिन पे स्टार लगाया था वो सब लर्न होनी चाहिए और ये वाली और 10 मिनट की बात है उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस शुरू हो जाएगा वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू ये सब चीजें थोड़ा लर्निंग वर्क है कुछ कर नहीं सकते इसका यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स ना छोड़ सकते हैं ना रोक सकते लाइट ईयर ये तो सुना होगा बचपन में लाइट ईयर क्या होता है क्या होता है वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर एक साल में रोशनी कितना डिस्टेंस लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं वन लाइट ईयर सो वन लाइट ईयर हो जाएगा डिस्टेंस है तो स्पीड इंटू टाइम स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन टू पार एट मीटर्स पर सेकेंड टाइम वन ईयर वन ईयर मतलब कितना सेकेंड हो गया थ्री सिक्सटी फाइव डेज वन डे मीन ट्वेंटी फोर आवर्स वन आवर मीन सिक्सटी मिनट्स वन मिनट मीन सिक्सटी सेकेंड्स सॉल्व करते हुए आता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू दिफ्टीन मीटर्स ये हो जाता है वन लाइट ईयर अगेन वैल्यू ध्यान होनी चाहिए यूज हो सकती है कभी भी करने के बाद थम्सअप कर देना बेटा ठीक है तीसरा और समझने वाला जो अभी तक का है सिर्फ उसका नाम है पार्सेक पहले समझिएगा फिर स्टेटमेंट लिखवाऊंगा पहले समझ लीजिए ध्यान से ये समझने वाला अभी तक का सिर्फ यही एक समझने वाला है ये सेंटर है बेटा ये रेडियस है और यह आर्क लेंथ है ये लेंथ ऑफ आर्क ये रेडियस अगर एंगल थीटा है आप रेडियस अगर इंक्रीज करते हो तो लेंथ ऑफ आर्क इंक्रीज हो जाएगी एंगल सेम रहते हुए भी रेडियस और इंक्रीज किया तो लेंथ ऑफ आर्क और बढ़ गई रेडियस और बढ़ाओगे तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ती चली जाएगी हां कि ना ये सुनो नो अगर एंगल वन सेकेंड है वन सेकेंड एंगल जो जो मैथ्स में आ रहे हैं उनको शायद पता होगा जिन्होंने स्कूल में पढ़ लिया उनको पता होगा वन सेकेंड एंगल का मतलब क्या होता है वन बाई सिक्सटी मिनट्स मतलब वन बाय थर्टी सिक्स हंड्रेड डिग्री अगर एंगल वन बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड डिग्री है लेंथ ऑफ आर्क वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो रेडियस जो है वो कहलाता है वन पारसेक इसको भी मैं फ्रेम कर रहा हूं पहले पहले लॉजिक समझो क्या बोला मैंने ये एक एंगल है बहुत छोटा एंगल है ये बहुत छोटा एंगल है वन सेकेंड तो बहुत छोटा एंगल होगा ना वन डिग्री का भी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पार्ट दैट इज वन सेकेंड इतना छोटा एंगल तो जब आप रेडियस बढ़ाते जाओगे तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ती चली जाएगी तो बढ़ते बढ़ते जब लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाए वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो वो डिस्टेंस मतलब वो रेडियस क्या कहलाता है वन पारसेक तो इसको फॉर्मली हम कैसे डिफाइन करते हैं वन पारसेक इज द डिस्टेंस

जरा ध्यान दो एंगल मैंने कितना बोला एंगल है by डिग्री. मतलब एंगल इन रेडियन कितना हुआ पाई बाय वन एटी टाइम्स वन बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड मैथ्स किस किस के पास नहीं है बेटा नव्या मैथ्स है आपके पास एज अ सब्जेक्ट और किसके पास नहीं है मैथ्स मैंने आपको बोला था कि मैथ्स के लिए आप वो एक लेक्चर जो मैंने डाला वो देखा आपने नव्या मैंने आपको बोला था ना बेटा लास्ट क्लास में प्लीज उसको देखना अभी ये फिर एज अ फॉर्मूला ध्यान रख लो ये उस लेक्चर का काम है अब प्लीज आज उसको जरूर देखना बेटा ताकि आपको ये थोड़ा एंगल बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए अदरवाइज इलेवेंथ फिजिक्स उड़ जाएगी पूरी ठीक है जिस जिसके पास मैथ्स नहीं है ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा क्वेश्चन मत करो कंसेप्ट समझ ही सकते हो ना तो कॉन्सेप्ट जरूर उसमें से देख लेना बेटा ठीक है सो आपको फॉर्मूला so बताया था मैंने थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर मैथ्स की क्लास में ये बताया था मैंने फॉर्मूला जिसने नहीं कर मैथ्स की क्लास ये फॉर्मूला होता है बेटा एंगल इन रेडियंस अगर आपको पता हो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है एंगल इन रेडियंस इज पाई बाय 180 इनटू 1 बाय 3600 इज इक्वल टू एल व्हिच इज 1.496 इनटू 10 टू द पावर 11 अपॉन रेडियस मतलब 1 पारसेक तो 1 पारसेक सॉल्व करके कितना आ जाता है सब कट पिट के आंसर आएगा 3.08 इनटू 10 टू द पावर 16 मीटर तो ये तीन यूनिट्स हैं जो हम बहुत लार्ज डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं कौन कौन से तीन यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पार्सेक। इनमें सबसे ज्यादा यूनिट कौन सा यूज होता है लाइट ईयर। तो प्लीज ये कॉपी कर लीजिए पहले कॉपी हो जाए तो थम्स अप कर दीजिएगा क्वेश्चन। so, so बोलो बेटा लाइक आर गिवन इन द the uh, fifth formula, that is, uh, astronomical unit, that is one astronomical unit is one point four nine six into ten to the power eleven, and you said we can round out to one point five into ten to the power eleven. Yes. So over here we are given length as one point four इतना थोड़ा बहुत अप्रोसीमेशन चलता है समझ में आ गया बेटा सबको कॉपी हो गया सबका सिमर क्लियर है जिया yes, नव्या yes, अमृत सर yes, ओके चले आगे इसके बाद चलू आगे थम्सअप कर दो अगर कर लिया कॉपी या कर रहे हो तो रुक जाता हूं भी ओके okay, डन इसके बाद है मास के प्रैक्टिकल यूनिट्स अब इसके ज्यादा आगे यूज नहीं होते ज्यादा मैं फटाफट बस लिख रहा हूं लर्न कर लेना जब आपको टाइम मिले मेन ये वाले करने थे मास के लिए आप प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी यूज करते हो पहला इसको बोलते हैं टन कई बार इसको मेट्रिक टन भी बोल देते हैं ये होता है थाउजेंड के जी हंड्रेड नहीं थाउजेंड दूसरा क्विंटल क्विंटल होता है हंड्रेड के जी ये दो ज्यादा यूज होते हैं तीसरा एक होता है सी चंद्रशेखर यूनिट ये होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन सॉल्व करके आता है टू पॉइंट एट इन टू टेन टू दर्टी के जी और ये तीन तो लार्ज मास के लिए ये दो ज्यादा यूज होंगे ये कभी नहीं यूज होता है, वे देखा मैंने आज तक ए एमयू ये यूज होता है ये बहुत स्मॉल मास के लिए यूज होता है ये जनरली केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में भी होगा बट केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है ए एमयू एटोमिक मास यूनिट एटोमिक मास यूनिट ये होता है 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ठीक इसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट कुछ टाइम के इसीलिए लिखे हुए में से, पेज नंबर फोर है मंथ क्या होता है लूनर मंथ क्या होता है जनरल नॉलेज की तरह पढ़ लेना पर पढ़ जरूर लेना क्योंकि वन मार्क क्वेश्चंस आ जाते हैं ठीक है इसमें ईयर का मतलब क्या होता है जो अर्थ को एक साल लगता है पूरा रोटेशन रोटेट करने में अराउंड द सन लूनर मंथ क्या होता है इट इज द द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट द अर्थ वन लूनर मंथ होता है ट्वेंटी सेवन पॉइंट सोलर डे क्या होता है टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सेस पढ़ लेना इसको पढ़ लोगे ये सारे बाकी तो समझ में आ जाओ आ जाए ये सारे समझ में आ गए जितने लिखे थे मैंने बेटा yes, अब आ जाते हैं असली काम पे इस चैप्टर के जो समझने वाला और जो क्वेश्चंस वाला है इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी ध्यान से सुनिएगा फिर इस पे आएंगे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वांटिटी हो उसको हम Uh, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड मैकेनिक्स में अभी हम आज सिर्फ मैकेनिक्स की बात करेंगे आज पूरी मैकेनिक्स की भी नहीं करेंगे कुछ मैकेनिक्स की बात करेंगे मैकेनिक्स में हम तीन फंडामेंटल सिलेक्ट करते हैं एक लेंथ दूसरा मास तीसरा टाइम कुछ और भी कर सकते हैं वो हमारी मर्जी है उस पे बेस्ड जब आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तब एक्सप्लेन करूंगा तो तीन फंडामेंटल हम चूज करते हैं मैकेनिक्स में एक होता है लेंथ दूसरा मास और तीसरा टाइम लेंथ मास टाइम फंडामेंटल कोई भी जो इनके कॉम्बिनेशन से बने उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल की टर्म्स में लिखना मतलब टू बी प्रोसाइज इसमें लेंथ मास और टाइम की टर्म्स में लिखना उस टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं उस टेक्निक को हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस तो डायमेंशन कैसे लिखते हैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हो एम एल टी पावर किसी भी क्वांटिटी में मास कितना है वो मास की पावर लेंथ कितना है वो लेंथ की पावर टाइम कितना है वो टाइम की पावर मतलब जरा सामने एग्जांपल्स के थ्रू समझिए कॉपी बाद में होगा पहले समझिए प्लीज जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वांटिटी फिर लिखूंगा उसका अगर कोई फॉर्मूला है तो वो यहां लिखूंगा फिर लिखूंगा उसकी डाइमेंशंस और फिर एस आई यूनिट ये चार चीज लिखूंगा क्वांटिटी शुरू करते हैं फर्स्ट ध्यान से देखिएगा बेटा टाइम दूंगा कॉपी करने का स्क्रॉल कर दूंगा पहले समझिए दस पहले लिखूंगा फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे पहली क्वांटिटी सपोज मैंने बोला डिस्टेंस डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस में लेंथ होती है मास नहीं होता टाइम नहीं होता तो डिस्टेंस की डायमेंशन को मैं लिखेंगे एम जीरो there is no mass, there is one length, and there is no time. इसका SI unit हो जाएगा मीटर, ठीक है? दूसरी quantity, suppose मैं बोलता हूँ displacement, ये भी एक ही बात है. डिस्प्लेसमेंट का कोई formula नहीं है. dimensions क्या हो जाएंगी डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है. टाइम नहीं होगा मास नहीं होगा इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर तीसरा टाइम टाइम के लिए डायमेंशन होंगे नो मास नो लेंथ ओनली वन टाइम इसके ऐसा यूनिट सेकेंड मास ये तो चार बेसिक्स हो गए ये तो बिल्कुल वन मास नो लेंथ नो टाइम यूनिट हो गया किलोग्राम अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं सपोज मैंने बोला स्पीड स्पीड क्या होता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हां कि ना सो so डिस्टेंस के डायमेंशन क्या हुए डिस्टेंस के डायमेंशन हुए नो मास वन लेंथ नो टाइम डिवाइडेड बाय टाइम के डायमेंशन हुए नो मास नो लेंथ वन टाइम अब दो चीजें जब डिवाइड होती हैं तो बेस सेम पावर हो जाती सो so, की पावर हुई जीरो की पावर हुई वन टाइम की पावर हुई माइनस वन यूनिट्स क्या होंगे मीटर्स पर सेकेंड यहां तक किसी को कोई शक है तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई देवांश नव्या, नव्या ओके तो। okay. और इसके बाद स्पीड के बाद आ जाते हैं एरिया पे एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इसमें दो लेंथ होगी हमेशा तो इसके क्या यूनिट्स होंगे डायमेंशन होंगे एम जीरो टू लेंथ टी जीरो इसके यूनिट्स होंगे मीटर स्क्वायर इसी तरह से वॉल्यूम वॉल्यूम होता है लेंथ टू ब्रेथ टू हाइट तीन लेंथ का प्रोडक्ट है तो आई राइट इट एज नो मास थ्री नो टाइम मीटर क्यूब सपोज आपको बोला डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी सो so, मास का क्या हुआ एम वन एल जीरो वन मास नो लेंथ नो टाइम वॉल्यूम क्या हुआ एम जीरो एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो यूनिट्स के जी पर मीटर क्यूब यहां तक कोई डाउट किसी को समझ में आ गया यहां तक कोई भी स्टेप ना समझ में आए बेटा उसी वक्त रोक दीजिएगा नंबर नाइन सपोज मैंने बोला एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी या स्पीड उसके डायमेंशन ये निकाल लिए थे मैंने तो वेलोसिटी के हुए एम जीरो एल वन टी माइनस वन अपॉन टाइम मतलब एम जीरो एल जीरो टी वन बेस सेम पावर सब ट्रैक्ट एम जीरो एल वन टी माइनस टू यूनिट्स क्या हो गए मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टेंथ फोर्स फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन पता है सबको फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन मास के क्या हुए एम वन एल जीरो निकाला एम जीरो चीजें जब मल्टीप्लाई होती हैं बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं मास की पावर वन प्लस जीरो वन हो गई, लेंथ की पावर जीरो प्लस वन वन हो गई टाइम की पावर जीरो प्लस, प्लस माइनस टू माइनस टू हो गई इसके यूनिट्स होते हैं के जी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर जिसको हम न्यूटन बोलते हैं यहां तक समझ में आए प्लीज यहां तक पहले कॉपी कीजिए कॉपी सिर्फ छापना नहीं खुद समझ के देखना नहीं आएगा अभी पूछना कौन सा स्टेप नहीं क्लियर है पहले यहां तक कीजिए फिर मैं आगे स्क्रॉल कर दूंगा कोई भी नहीं समझ में आएगा तो सिर्फ कॉपी नहीं करना नहीं आएगा तो पूछना नहीं तो आगे फंसते चले जाओगे हो जाए कॉपी तो बता दीजिएगा बेटा और कोई डाउट हो तो भी बोल दीजिएगा समझ में आ गया देवांश सारे तो <laughs> अमृत हो गया कॉपी थम्सअप yes, कर दिया करो यार आ गया समझ में आ गया बेटे सारा yes, नव्या yes, समझ में आ गए सारा uh -huh. रिया सिमर जिया yes, ओके uh -huh. yes, okay. और देखते हैं। सपोज मैंने अब अगला टर्म ले रहा हूं मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी मास के डाइमेंशंस एम वन एल जीरो टी जीरो वन मास नो लेंथ नो टाइम और वेलोसिटी के एम जीरो एल वन टी माइनस वन लेंथ अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी सो सॉल्व करो मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम पावर एड एम वन एल वन टी माइनस वन यूनिट्स हो गए किलोग्राम मीटर्स पर second देखो यूनिट्स कितनी इजीली बन रहे मास के लिए किलोग्राम लेंथ के लिए मीटर टाइम के लिए सेकंड तो किलोग्राम की पावर वन मीटर की पावर वन सेकंड की पावर वन सो केजी मीटर्स पर सेकंड इसी तरह से सपोज होता पावर अरे नहीं पावर बाद में सपोज होता वर्क वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जरा फोर्स के डाइमेंशंस देखो फोर्स के डायमेंशन हैं एम वन एल वन टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट के मतलब लेंथ एम जीरो एल वन टी जीरो इकट्ठा करो बेस सेम पावर एड एम वन एल टू टी माइनस टू यूनिट्स के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और इसको हम लिखते हैं जूल्स अब जरा ध्यान से देखिएगा चीज को सपोज हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता हाफ के कोई डायमेंशन नहीं नंबर है वो एम मास एम वन एल जीरो टी जीरो वेलोसिटी का लेंथ अपॉन टाइम सो एम जीरो एल वन टी माइनस वन का स्क्वायर तो ये हो गया एम वन एल जीरो टी जीरो हुआ एम जीरो एल टू टी माइनस टू इकट्ठा करो एम वन एल टू टी माइनस टू अरे ये तो सेम आया ना जो वर्क का हुआ वर्क ही तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है जब किसी कोई बॉडी पड़ी है आपने उठा के लात मारी उसे जब उसे लात मारोगे तो दूर उड़ के जाएगी तो आपने जो वर्क किया वही तो उस बॉडी में एज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुआ सो so, जितना आपने वर्क किया वही काइनेटिक एनर्जी है दोनों के दोनों जूल्स में होते हैं दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तो जितनी भी सिमिलर क्वांटिटीज होंगी सबके डायमेंशन क्या होंगे सेम मतलब अब मैं इसके बाद अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं तो उसके भी तो हां जी बेटा बोलो बेटा आपने काइनेटिक तो कैसे तो रिलेट वर्क डन सुनो समझ गया जब वर्क करते हो आप किसी बॉडी पे जब भी कोई बॉडी आप वर्क करते हो तो वर्क करते हो तो उस बॉडी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है है ये ग्राउंड पे है। मैंने इसको उठा के ऊपर किया तो जो मैंने मस्कुलर वर्क किया वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया ना वर्क हमेशा बॉडी में एनर्जी तभी आती है जब वर्क हो जब वर्क होगा तभी बॉडी में एनर्जी आएगी एक फुटबॉल पड़ी आपने उठा के लात मार दी तो जो आपने मस्कुलर वर्क किया वो उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गया काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तो वर्क और एनर्जी दोनों एक ही बात होती है कभी भी वर्क जब तक वर्क नहीं होगा तब तक बॉडी में एनर्जी नहीं आ सकती आपने पढ़ा होगा एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू वन अदर सो वर्क और एनर्जी एक ही बात है ठीक है सो सेम पोटेंशियल एनर्जी का आएगा सो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एम जी एच आपने पढ़ा है ना मास एम मास होता है मास मतलब एम वन एल जीरो जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है तो एम जीरोल टी माइनस टू और एच हाइट है हाइट मतलब लेंथ एम जीरो एल वन टी जीरो देखो सॉल्व करो बेस सेम पावर ऐड करो मास की पावर एक लेंथ की पावर वन प्लस वन टू टाइम की पावर माइनस टू सेम आ गया के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इससे क्या पता लगा सपोज मैंने बोला जियो थर्मल एनर्जी के डायमेंशन क्या होंगे भाड़ में जाए हमें उसके फॉर्मूले से क्या मतलब है हम फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल रहे हैं तो अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी पता हमें यह पता है कि वो क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है सो so, जियोथर्मल एनर्जी मुझे फॉर्मूला नहीं पता बट मुझे यह पता है वो एनर्जी है एनर्जी है तो उसके डायमेंशन क्या होंगे एम वन एल टू टी माइनस टू मैंने बोला न्यूक्लियर एनर्जी आपको नहीं पता फॉर्मूला न्यूक्लियर एनर्जी का क्या फॉर्मूला है तो सिंपल क्या हो गया एम वन एल टू टी माइनस टू किसी भी टाइप की एनर्जी होगी किसी भी टाइप की एनर्जी होगी उसके डायमेंशन हमेशा क्या होंगे एम वन एल टू टी माइनस टू या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट्स या फिर जूल्स ठीक है समझ में आ गया यहां तक yes, पहले यहां तक कॉपी कीजिए आई गेस टेन तक कर लिया था ना इलेवन से कीजिए Me, हाँ जी बेटा काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ एम वी रहा है आपको yes, है हाँ ना इसमें देखो आप अगर ध्यान से तो हाफ का कुछ डायमेंशन नहीं मास के लिए टी जीरो मास मास होता है ना उसमें कोई टाइम नहीं, yes. नहीं और फिर वेलोसिटी का देखो उससे नेक्स्ट जो है वेलोसिटी वाले में क्या दिया हुआ है वेलोसिटी होता है m0 जीरो नो मास वन लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी अभी ऊपर निकाला था ना देखो ए, ये 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 वेलोसिटी स्पीड है की m0 l1 t माइनस वन सो m0 l1 t माइनस वन उसका होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर था ना ठीक है बेटा स्क्वायर का मतलब सबकी पावर को टू से मल्टीप्लाई करो तो जीरो इंटू टू हुआ वन टू वन टू हो गया माइनस वन इंटू टू माइनस टू हो गया अब बेस सेम पावर ऐड कर दो मास की पावर वन प्लस जीरो मास की पावर वन हुआ लेंथ की पावर जीरो प्लस टू लेंथ की पावर टू हो गया टी की पावर जीरो प्लस माइनस टू माइनस टू हो गया ठीक है हाफ कुछ नहीं हुआ हाफ डायमेंशन लेस है नंबर है वो सर उसका कोई यूनिट नहीं है देर इज नो यूनिट नो डायमेंशन कॉपी हो जाए तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा और कोई पूछना हो तो साथ में पूछ लीजिएगा रिया yes. रिया ओके yes. सो okay. so, आज का काम सुन लीजिए ये पंद्रह डायमेंशन अच्छे से दोबारा लिख लिख के याद करनी है प्लस जो मैंने शुरू के तीन चार पेजेस नोट्स के आपको थ्योरी के बताएं लर्न करने के लिए उसको जब मन करे रोज एक जनरल नॉलेज की तरह डेली पढ़ लिया करो ताकि धीरे 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 याद हो जाए आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप रट्टे मार लोगे उसके नहीं आप एक बार उठ के हर दो तीन दिन बाद एक बार पढ़ लोगे तो धीरे धीरे आपको वो याद होने शुरू हो जाएंगे ठीक है जी थैंक यू वेरी मच परसों मिलते मंडे मिलते हैं सेम टाइम पे